प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नवी जमात में एसएस में चौथा सबक शुरू करेंगे, भारत की कौमी तहरीकें। गुजराती में कहेंगे भारत ने राष्ट्रीय चढ़वड़ो। तो भारत में क़याम के दौरान जो अंग्रेज़ थे वो भारत के सियासी माहौल से वाकिफ़ हो गए थे, भारत की सियासी खटपटों और दाखिली कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हुए बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने कदम जमाए और अंग्रेज़ों ने अपने इक्तदार को, अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए मुल्क में एक मज़बूत इंतज़ामी ढांचा तैयार किया। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड को खुशहाल बनाने के लिए भारत को कंगाल किया, भारत का माशी इस्तेहसाल किया। उसके बाद देखेंगे 1857 का गदर। तो भारत में 1857 का जो गदर हुआ उसके लिए कोई एक वजह ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि बहुत सारी वजूहात ज़िम्मेदार है, जिसमें माशी इस्तेहसाल, समाजी अवामिल, मजहबी अवामिल, फ़ौजी अवामिल और फौरी अवामिल। कई सारी वजूहात 1857 की जंग होने के लिए ज़िम्मेदार है। तो अंग्रेज़ों के दौर में जो फ़ौज थी, भारत की जो फ़ौज थी, उस फ़ौज में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। फ़ौज में एक राइफ़ल दाखिल की गई जिसका नाम था एनफील्ड राइफ़ल। इस राइफ़ल के बारे में फ़ौज में ऐसी अफवाह फैली कि एनफील्ड राइफ़ल में जो कारतूस इस्तेमाल किया गया है वो कारतूस गाय और खिंजीर की चर्बी से चर्बी का इस्तेमाल उसमें किया गया है। जब ये बात मुसलमान और हिंदू दोनों को जब पता चली तो उन दोनों ने इस राइफ़ल को छूने से इनकार कर दिया और उसकी मुखालिफत की। नतीजे में फ़ौज में जो मंगल पांडे नाम का सिपाही था उसने सबसे ज़्यादा इस राइफ़ल की मुखालिफत की। नतीजे में अंग्रेज़ों ने उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। इस तरह 1857 की जंग आज़ादी का पहला शहीद मंगल पांडे बना। इसके अलावा इस जंग में नाना साहब, तातिया टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफ़र वगैरह भी इस जंग में शामिल हुए थे। और 1857 की जंग ख़त्म होने के बाद कई सारे असरात रूनुमा हुए भारत में, जिसमें से भारत में कंपनी के इक्तदार का खात्मा हुआ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी उसका खात्मा हुआ और बरतानवी ताज की हुकूमत शुरू की गई, यानी महारानी विक्टोरिया की हुकूमत शुरू की गई। इसके अलावा इंतज़ामी, फ़ौजी, समाजी पॉलिसी में भी तब्दीलियाँ की गई। तो 1857 की जंग में लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जंग वक्त से पहले ही शुरू हो गई थी, जो तारीख तय की गई थी उस तारीख से पहले ही ये जंग शुरू हो गई। इसके अलावा भारत के लोगों के पास तरक्की याफ्ता हथियार नहीं थे, यानी अच्छे हथियार नहीं थे, लोगों में कौमी जज्बे की कमी थी। जितने भी लोग इस जंग में शामिल हुए थे वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने इलाके हासिल करने के लिए शामिल हुए थे। इस तरह कई सारी वजूहात की बिना पर ये जंग नाकाम हुई थी। उसके बाद देखेंगे बाइकाट और स्वदेशी तहरीक। तो अंग्रेज़ों के दौर में बंगाल की जो रियासत थी, उस वक्त बंगाल एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसमें आज के बंगाल, बिहार और ओडिशा शामिल थे। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलजुल कर साथ में रहते थे, इतिहाद के साथ रहते थे। इसलिए हिंदू मुस्लिम इतिहाद को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अपनाई और बंगाल को तकसीम करने का मंसूबा बनाया। नतीजे में ईस्वी सन 1905 में वाइस राय कर्जन ने बंगाल रियासत के इंतज़ामिया को बेहतर बनाने के बहाने से उसे दो हिस्सों में तकसीम किया, एक मशरकी बंगाल, दूसरा मगरबी बंगाल। तो बंगाल की जब तकसीम की गई तब लोगों ने उसकी सख्त मुखालिफत की। 16 अक्टूबर 1905 के रोज़ बंगाल रियासत की तकसीम पर अमल दरामद किया गया और उस दिन पूरे बंगाल में कौमी सोग दिन मनाया गया, यानी लोगों ने सोग का दिन मनाया। इस दिन गैर मुल्की तमाम अशिया का बाइकाट करने के लिए तहरीक
और स्वदेशी माल का इस्तेमाल करने की तरकीब का ऐलान किया गया। जब बंगाल को तकसीम किया गया तब लोगों ने बाइकाट और स्वदेशी तहरीक शुरू की। बाइकाट यानी कि अंग्रेज़ों की हर चीज़ का बाइकाट करना। सिर्फ बंगाल की आवाम ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आवाम ये सोचने लगी कि भारत में वतन परस्ती के जो शोले भड़क रहे हैं उसे दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने यह तकसीम की है। इस रोज़ पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम दोनों ने एक दूसरे के हाथ में राखी बांधकर इत्तेहाद की ताकत को जाहिर किया। तो जब बंगाल की तकसीम की गई तब लोगों ने बंग भंग तहरीक शुरू की थी, और बंग भंग तहरीक की तीन खासियत थी, जिसमें स्वदेशी को अपनाना यानी सिर्फ भारत की चीज़ों को ही ख़रीदना, गैर मुल्की माल का बाइकाट करना यानी इंग्लैंड से जो माल आता था उसको नहीं ख़रीदना, तीसरा है कौमी तालीम अपनाना यानी सिर्फ भारत की स्कूलों में ही तालीम हासिल करना, सिर्फ भारतीय तालीम हासिल करना। तो स्वदेशी तहरीक से भारत को बहुत फ़ायदा हुआ और गैर मुल्की माल के बाइकाट से इंग्लैंड की तिजारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इंग्लैंड से आने वाला कपड़ा, इंग्लैंड से आने वाली चीज़ें जैसे चीनी है, बूट, जूते, सिगरेट, तंबाकू वगैरह की बरामद में कमी वाक़ हुई। भारत में तैयार होने वाले कपड़े की फरोख्त में इजाफा हुआ। स्वदेशी माल तैयार करने वाले भारत में कारखाने बनाए गए। बंगाल के अलावा भारत के कई सारी रियासतें जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास वगैरह में वहाँ पर भी स्वदेशी तहरीक शुरू की गई। गुजरात में भी स्वदेशी तहरीक शुरू की गई। इसके अलावा इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी इस तहरीक की आवाज़ ज़बरदस्त तरीके से सुनाई दी। नतीजे में 6 साल के बाद यानी कि 1911 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने बंगाल की तकसीम को रद्द कर दिया। इस तरह भारत के लोगों की ये यादगार जीत थी, इत्तेहाद की ताकत की जीत थी। उसके बाद देखेंगे मुस्लिम लीग। तो अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की पॉलिसी को अपनाकर हिंदू मुस्लिम फिरकों में नफ़रत के बीज बोने की कोशिश की थी। उस वक्त के वाइस राय लॉर्ड मिंटो और हिंदी वज़ीर मॉर्ले ने मिलकर भारत की कौम परस्ती को कुचलने का मंसूबा बनाया था। कौमी लड़ाई बढ़ने लगी तो अंग्रेज़ों ने जो आला तबके के मुसलमान थे उनकी तरफदारी करना शुरू कर दी और उन्हें अलग वोट देने का इख्तियार और अलग वोट दहिंदगान यानी एक अलग वोटिंग बूथ कायम करने की मांग करने के लिए कहा और एक अलग मुस्लिम अदारा कायम करने के लिए कहा। इस तरह अंग्रेज़ मुसलमानों के एक गिरोह को समझाने में कामयाब हुए। नतीजे में 1906 में मुस्लिम लीग कायम की गई। तो मुस्लिम लीग को कायम करने में आगा खान, ढाका के नवाब समीउल्ला, वाइसराय मिंटो और उनके वज़ीर डनलोप स्मिथ ने अहम किरदार अदा किया। तो कांग्रेस के सालाना अजलास में मुसलमान शामिल ना हो इसलिए कांग्रेस का अजलास उसी रोज़ मुनक़द किया जाता जिस रोज़ मुस्लिम लीग का सालाना अजलास रखा जाता था। तो अलग नुमाइंदगी की मांग मुसलमानों की तरफ से नहीं थी बल्कि ये अंग्रेज़ों की ही एक पॉलिसी का नतीजा था और मिंटो ने ही मुसलमानों को साथी बनाने की पॉलिसी का आगाज़ किया था। इसलिए बहुत से जो मुसन्निफ़ है, अदीब है, उन्हें मुस्लिम फ़िरका परस्ती का बानी कहते हैं यानी मॉर्ले मिंटो को मुस्लिम फ़िरका परस्ती का बानी कहा जाता है। एक मौरख ने लिखा है कि पाकिस्तान की तख्लीक करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना या रहमतुल्ला नहीं थे बल्कि लॉर्ड मिंटो था और तभी से हिंदू मुस्लिम कश्मकश बढ़ी और आखिरकार हिंदुस्तान की तकसीम हुई। आगे के जो पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।